सितारगंज के बिजली विभाग के कार्यालय में पूर्व विधायक नारायण पाल के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने पहुंचकर बिजली दफ्तर में अधिकारी और कर्मचारियों की मनमानी के विरोध में प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि क्षेत्र के ग्रामीणों के घरों में बिल में बहुत ही ज्यादा है, कई लोगों के घरों में तो मीटर ही नहीं है लेकिन उनके बिल भी आ रहे हैं, और जिन लोगों के मीटर लग गए हैं लेकिन लाइट कनेक्शन नहीं लगा है उसके बावजूद भी बिल आ रहे हैं। बिजली दफ्तर में पूर्व विधायक के संग पहुंचे कई दर्जन लोगों के हंगामे के बाद बिजली विभाग के एसडीओ और जेई मौके से फरार हो गए, क्योंकि ज्यादातर शिकायतकर्ताओं ने एसडीओ और जेई की शिकायत लेकर बिजली दफ्तर पहुंचे थे। पहुंचे विधायक ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के कई लोगों के घरों में मीटर तो लगे हैं पर रीडिंग के आधार पर बिल न आकर कई गुना ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है, जिससे लोग काफी परेशान हैं, और जिन लोगों के मीटर नहीं लगे हैं उनके भी बुला रहे हैं। गरीब मजदूरों के 50,50,000 रुपए के बिल आ रहे हैं। विभाग के अधिकारी कर्मचारी मनमाने तरीके से जनता को लूट रहे हैं। इसको लेकर ही विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मामले पर बिजली विभाग के एक्शन चंदन सिंह बिष्ट ने कहा कि बिजली के बिल क्यों ज्यादा आ रहे हैं इसकी जांच की जाएगी और जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए गांव-गांव जाकर कैंप लगाकर समस्याओं का निवारण किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान न्यूज। तो मैंने सवाल जवाब किया है, आज जिसके घर में मीटर नहीं है उसका भी बिल आता है, और जो 150 रुपए का मजदूर है, 200 रुपए का मजदूर है, उसका 50,000 रुपए का बिल आता है। तो ये प्राइवेट एजेंसी जो है मीटर रीडिंग करने वाली है, तो उसमें पता लगा है कि जितने भी 21 मीटर रीडर हैं यहाँ, उनको एक टारगेट दे रखा है कि हर महीने 3,000 रुपये दो हमें लोगे, तो वो तो ठेकेदार लेगा, और जो और पैसा आएगा वो यहाँ का एसडीओ कोई विद्या क्या नाम है इसका, विद्याभूषण जोशी, वो बड़ा खतरनाक आदमी है। तो आमतौर पर एक मिश्रा है, ये सब लोग बिजली घर को वो बनाए हुए हैं कि यहाँ ऐसी वसूली होती है कि गरीब आदमी परेशान, वो वसूली करके भी उनका काम भी नहीं होता है। तो एक एहसान सा नाम का एक व्यक्ति है, उसके घर में मीटर नहीं था तो उसका 47,000 का बिल आ गया। एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, उसका 45,000 का बिल आ गया, दोनों घर में मीटर ही नहीं। जब मैं यहाँ परसों आया और आज आया तो पता लगा कि ऐसे तो सैकड़ों मामले, आज मैंने देखा है कि इंजीनियर तो यहाँ बैठा है लेकिन नीचे के अधिकारी सब गायब हो गए, एक विद्याभूषण गायब हो गया, एक मिश्रा गायब हो गया और सब लोग गायब। तो प्रथम नज़र में तो ये देखने में आ रहा है कि ये जनता का बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे हैं, और इन्होंने टारगेट फिक्स कर रखे हैं पैसे के, पैसे का आवंटन ये बैठ के करते हैं। तो हमारे लोग जो हैं छोटी छोटी गलतियों में जेल भी जाता है किसान, मजदूर जेल जाता है, तो छोटी छोटी गलतियों में तो वो जेल चले जाते हैं। लेकिन हमने देखा है कि सबसे कम किसका बिल है और सबसे ज़्यादा किसका बिल है, तो ऐसा हमें थारू समाज में, मुस्लिम समाज में, अनुसूचित जाति में या और भी जो छोटी मोटी जातियाँ हैं उनमें कोई भी ऐसा धनवान आदमी नहीं दिखा जो अपने घर में 2-3 हज़ार से ज़्यादा बिजली फूक रहा हो, लेकिन 30-40 हज़ार तो महीनों के बिल हैं उसके। तो ये बहुत ही नागवार है ये बात। मैंने इनसे कहा कि 27 तारीख को यहाँ जनसभा करूँगा एक कार्यक्रम, और जब तक ये अपने शुद्धिकरण कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, बस मैंने आज यही कहा। आक्रोश तो बहुत है, परसों भी मैं आया था आज भी आया, आक्रोश तो बहुत है, लेकिन यह है कि अगर ये सुधर जाए तो सही है, नहीं तो यहीं पे जमूंगा और यहीं पे अपने साथियों के साथ यहीं पे बैठा जाएगा। जब तक ही जनता की चीज़ों को सही नहीं करेंगे इनका विरोध जारी रहेगा। 27 तारीख को हम फिर आएंगे यहाँ। जितने भी बिल संबंधित त्रुटियाँ रखी गई हैं सामने, तो उसके संदर्भ में मैंने ये निर्णय लिया है कि हर मीटर रीडर वाइज उनके सेक्टर में हम कैंप लगाएंगे, जिसका प्रचार प्रसार आपके माध्यम से भी करेंगे, और जब भी कैंप लगेगा तो वहाँ पे हम मीटर रीडर्स के कुछ रैंडमली रीडिंग भी चेक करेंगे। यदि किसी प्रकार की कोई अनियमितता हो रही होगी, त्रुटि हो रही होगी उनके स्तर से, तो जो भी उनके अनुमान के तहत कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे। और इसका भी जो जिनकी एप्लीकेशन या समस्या इस तरह की रखी गई है मेरे सामने, तो वो तो तुरंत हम चेक करा रहे हैं। इसके अलावा बाकी हम तुरंत ही अपने एसडीओ जेई सभी को निर्देश दे रहे हैं कि युद्ध स्तर पर ऐसे प्रकरणों की समीक्षा करें, उसके अनुसार हमें अवगत कराएं, जिससे कि हम उसे तुरंत ही निस्तारित कर सकें। गोठा गांव में पूर्व में जो आया था तो उसमें दिखाया था हमने, तो लाइन बनी हुई थी और कुछ जैसे बेयर हेड कंडक्टर्स थे वहाँ पर,
तो वहाँ पे कुछ जगह पे इंसुलेटेड कंडक्टर्स लगाने में दिक्कत हो रही थी, तो उसे हमने रिप्लेस करके तुरंत ही लाइन चालू कर दिया था।